अबे ये इस्पा इतना गाढ़ा क्यों है? ये गाढ़ा इसलिए है क्योंकि ये हमारी खुद की फैक्ट्री का, मैं इसे बनाता हूँ। आबे जकी। जी मालिक। इस्पा तुम लगाता? जी मालिक, मैं ही लगाता हूँ और आजकल बहुत कस्टमरों के लगा रहा हूँ मालिक। अच्छा, कल कितने कस्टमर के लगाया? 16-17 के लगा दे मालिक। अबे फौसड़ी के, इस्पा 5 ला के दे रही हूँ, 17 के लगा रिया, कहाँ से ला रिया? मालिक ये तो अच्छी बात है ना, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले को बुला। ऊपर वाले को मैं कैसे बुला सकता हूँ मालिक, वो तो हमें बुलाता है। मैं बुलाऊं तेरे ऊपर वाले को? और सस्ते हबीब, हबीब लाइट। मालिक बुला रहे हैं, अभी आया। जी मालिक, आपने बुलाया? बोलिए, ये स्पा क्रीम कहाँ से ला रही तू? मालिक ये मैं अपने पास से लाता हूँ, आपका ज्यादा खर्चा ना हो। अबे अब तो सच बोल दे, जिंदा देखा मैंने सीसीटीवी में, तेरी गांड में ना नींबू निचोड़ दूंगा। मालिक माफ कर दो। है? मालिक माफ कर दो, आप ही नहीं मिलेंगे। पता ना क्या क्या लगा रहे हैं स्पा के नाम पर, गंदी गंदी चीज है, मैंने भी लगा ली एक बार तो। निकल जा, 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 जा। तू भी निकल। मालिक माफ कर दो। हेलो मत जिस मत जाना मेरे। मैं करोड़ा कस्टमरों को मजा आ रहा, एक कस्टमर की शिकायत नहीं आई है मुझ पे, तो मेरा जमीर जाग हुआ। आज चौथी मेरे सैलून की, वैसे एक बात है, बाल सिल्की कर दिए मेरे। अरे अबे मैंने तुझसे पहले ही बोला था, एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। अबे कोई बात ना, स्पा क्रीम बेच के 9,000 रुपए तो कम गए। अबे मालिक ने मुझे कमरा दे रखा था, अब मैं बता कहाँ रहूंगा। अरे गधे की गांड में रही हो तू, अरे मेरे घर पे रही हो यार तू, और भाई देखेंगे करना क्या है साला। बड़ी मछली फांसनी है जिंदगी में, बड़ी मछली, तब तक लोगों के बाल काटेंगे। अपनी गांड कट गई यार, बाल काटते काटते। पापा, पापा कहां रह गए? पापा, पापा क्या हो गया था तुम्हें? पापा अपनी जान दे दूंगा तुम्हारे वास्ते, तुम्हारी गांड मार दूंगा हंसते हंसते, चले जाओ यहां से। पापा क्या हो गया? तुम्हारे मालिक ने मुझे सब बता दिया, साले गंदे। बादाम मैं भी तो कहूँ, इतने बादाम खा के खिंचाता, पूरा स्पा क्रीम की फैक्ट्री हो रही है। मालिक मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। तनख्वाह? देख बे पैसे नहीं है मुझ पे, और तनख्वाह मैं तुझे महीने के लास्ट में दूंगा, और अगर तुझे कुछ ज्यादा जरूरत है ना पैसों की तो ये देख, MPL पे गेम खेल के पैसे कमा ले। आज ही मैंने MPL पे रनर नंबर 1 गेम खेल के 2,500 रुपए कमाए हैं, और जीतने के बाद ना इन्हें तू डायरेक्ट UPI या Paytm से विड्रॉ कर सकता है। अरे वाह मालिक, ये तो बहुत ही बढ़िया है, फिर मैं भी शुरू करता हूँ गेम खेलना, पैसे कमाता हूँ MPL से। ठीक है जा। अब तेरे बाप ने भी घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं खाऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ, अब बता। अबे टेंशन क्यों ले रिया है? ओयो बोयो में कर लेंगे कोई रहने का जुगाड़। अबे भोसड़ी के, ओयो में भी जुगाड़ की जरूरत होती है, तू बनेगा मेरा जुगाड़। अब बस एक ही रास्ता बचा है, मालिक से चलकर माफी मांग ले और उनके कुछ काम की चीज लिया, मैं भी गुलदस्ता ले आता हूँ, चल।
मालिक बोलो तुम भाषण का चले आना। मालिक बहुत बढ़िया स्कीम लेकर आए आपके लिए। अबे मना कर रहा है ना तुमसे, चले जाओ मेरे शोरूम से। चले जाओ बाहर निकल जाओ। मालिक ये आपके लिए। मालिक ये आपके काम की चीज, ये लीजिए ये लीजिए। ये क्या है? फुटबॉल मालिक, फुटबॉल। मालिक बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल देखो देखो देखो। ए हटे गांडू, मालिक फुटबॉल है, ये मारिए रोनाल्डो वाली की। मैं लगाऊंगा पुलिस को कॉल। मालिक हम ऊपर नहीं करेंगे, अब पैंट ऊपर कर। मालिक हम छोड़ेंगे ही नहीं। मालिक हमें काम दो पहले, हम ऊपर नहीं करेंगे। दिख जाएगा सबको। अरे मालिक देखने दो, सबको दिखाएंगे कितना छोटा तुम्हारा। बेटे पैंट ऊपर करो, एक काम है तुम्हारे लिए इससे ही बड़ा। देखा चकी और सैभी, मेरी बदमाशपुर में एक कोठी है जिस पर एक किराएदार ने कई साल से कब्जा कर रखा है। अगर तुमने उस किराएदार को बाहर निकाल दिया तो मैं इस काम के तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख रुपए? लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, तो तुम कर दोगे या नहीं? जी मालिक कर देंगे। ठीक है तो जाओ। पर मालिक इसका हमें एडवांस चाहिए। कितने चाहिए? 1 लाख रुपए। ये लो, लेकिन काम हो जाना चाहिए, बाकी तुम्हें मेरा पता ही है। सुन भाई सैभी, इन पैसों को अच्छी जगह रखना है और ढंग की जगह यूज करना है। हाँ, इसीलिए मैं इन पैसों का करूंगा छिनाला, छिनाले नचाऊंगा बार में जाके। अबे पागल हो गया क्या? अबे मेरा सपना था हमेशा से कि मैं भी बार में जाऊं। तू टेंशन मत ले, ज्यादा पैसे खर्च नहीं करूंगा बार में, सिर्फ टिकट टिकट लगेगा। मैं ना जाऊंगा। चल तो तू बाहर खड़ा रहिए, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है चल। भाई साहब यहाँ तो हमारे पैसे। मेरे तो उस पे आ जाता है। ओफो, अबे क्या बॉडी बनाई है। अबे किस टाइम जा रही था भाई जिम तू? हमारी इस पगरिम में भरवा रिया सारा माल, खुद चढ़ा रिया। खैर छोड़, मार इसे। मार और मार, अभी ना बार वालों को भी मारना, सालों से मुआवजा लेना, फर्जी छिनाल ना चाह रहे हैं ये। मार। ना 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 ना
मारोगे। देख रहे हो ये डोले, पीछे देख बहन के लोड़े। इस वाले को मत करे, इसमें डिफेक्ट है। मालिक आज मैजिक टीवी चला लो। टीवी? बेटे मेरे पास है MPLF, उस पे मैंने बनाई हुई है अपनी फैंटेसी टीम, और अगर मेरा चुना हुआ खिलाड़ी मैच में बढ़िया खेल गया ना तो मेरे बढ़ेंगे पॉइंट्स और पैसे भी। और मैंने MPL का 99 रुपीज सीजन पास ले रखा है, मतलब पूरे IPL फ्री में खेलो। और कुछ कॉन्टेस्ट तो ऐसे भी हैं जिसमें गारंटीड इनाम जीतेंगे। बहुत शानदार मालिक, चल ठीक है। मालिक आपने चूड़ी गोटी कहाँ से खरीदी है? गांड मरवा के खरीदी है, काम कर अपना। इसे क्या पता गोटी मेरी ना है, मैं तो 10 लाख में 10 करोड़ कब जाना चाह रही हूँ। अबे साले क्यों जा रही है, फिर से तेरा बाप मार के भगा देगा। अबे मैं अपने बाप को जानता हूँ, चल। तुम फिर आगे भाग रहे थे, किसी कीमत पे तुम्हें अंदर नहीं रखूंगा मैं। वैसे हैं कितने? 10,000 है पापा। इतनी रात में बाहर घूम रहे हो? पता है कितनी फिक्र होती है मुझे इन पैसों की, सॉरी इन बच्चों की। अबे सेबी ये तो बहुत बड़ी कोठी है। बे भागो यहाँ से। बे कैसे खाली होगा ये? ऐसे खाली नहीं होगा ये, इसके लिए एक वकील की जरूरत पड़ेगी। अच्छा? हाँ, और वकील भी बहुत महंगा होगा। अबे कर दी ना स्मॉल बात, अभी देख। भाई साहब यार कोई सस्ते बजट में एकदम टॉप क्लास वकील मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा भाई साहब, 10,000 रुपए लगेंगे। अरे दे देंगे भाई साहब, पर कहाँ मिलेगा ये? ये मिलेंगे आपको चैम्बर नंबर 267 तीर कमान रोड पर। सेबी तो चलो। अरे रुको, अभी मुझे आधा घंटा लगेगा तैयार होने में। तो आपसे क्या मतलब, हम खुद चले जाएंगे? मेरा मतलब है आधे घंटे बाद मिलेंगे अपने चैम्बर पे। वो वकील साहब बैठ जाओ कुर्सी पे। देख कुर्सी तो है ना, तो खड़े रहो। अबे ये कैसी कचहरी है, ये तो कचरा लग रही है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अबे साले ये हाई लेवल के वकील हैं, ये लोग ऐसी जगह बैठते हैं ताकि किसी को पता ना चले। तो ये अकेला क्यों बैठा? अबे तू चुप बैठ जा, तुझसे साले कुछ ना आता, तू पैसे डुबा देगा हमारे। मुझे बात करने दे। वकील साहब हाँ लाओ पैसे दो। अबे ये तो वही है, इसने एड्रेस बताया। क्या मतलब वही लग गया, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, कंगना केस भी मुझे लड़ना। अबे तू बहन के लड़े पागल है क्या, चूतिया साला। अबे सब बात मुझे बता, कौन से हाई लेवल के वकील है ये, साला चूतिया। वकील साहब कितने पैसे चाहिए आपको? अबे बताया तो था मैंने 10,000। 10,000? चुप चुप। वकील साहब 10,000। चलो ठीक है जाओ, अब तुम्हारा केस सॉल्व हो जाएगा। अरे केस तो सुन लो। अरे सुन लिया जाओ। पर तू साले, मैं जानता हूँ वकील साहब की काबिलियत को, केस कल निपटा हुआ मिलेगा, हाई लेवल बताने की जरूरत नहीं है केस। ठीक है वकील साहब, नमस्कार, आजा। सुबह जब आएंगे अपन। लो जकी भाई, ये रहा आपके आगे पेश निपटा हुआ केस। यहाँ पे कचरा है और कचरा था और कचरा रहेगा, और इस गांव के प्रधान की बहन का लोड़ा। जगी जगी मुझे हटा दे गाड़िया। जगी मैंने 50 पार्टी में उड़ा दिए थे, 10 अब्बा को दे दिए, 10 ये वकील खा गया। अब एक काम करिए, तू अपनी जिंदगी जिए 30,000 रुपए की, मैं चल लिया हूँ मरने।
ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, मैं कुछ ना कहूंगा। तो बताओ जगी, अब करना क्या अगले प्लान में? अब तू मेरे हिसाब से चलेगा, अब हम खुद फर्जी वकील बनकर जाएंगे। रुको, कौन हो तुम दोनों? लॉयल। अच्छा ईमानदार? अबे लॉयल। ईमानदारी तो? लायर। अच्छा झूठा? हाँ वही जो झूठ बोलता, पर स्पेलिंग है LION। अच्छा लॉयन। अबे बताई से। अबे लॉयर, वकील। अच्छा वकील हो, फिर भी तुम ऐसे नहीं जा सकते। कौन? Myself, एडवोकेट मिस्टर राठी। पर वो तो अच्छा तो तुम हो राठी, बताइए क्या काम है? ये प्रॉपर्टी लीगल तरीके से आपकी नहीं है, और इसीलिए मैंने आपके खिलाफ इसमें एक केस बनाया है, धारा 377 का। 377 तो गांव। कंटिन्यू। इसलिए मिस्टर राठी साहब चाहते हैं ये प्रॉपर्टी आप जल्द से जल्द खाली करो। अच्छा, और अगर ना करूं तो मैं तेरी ऐसी गांड फाड़ूंगा कि दुनिया के किसी धागे से तेरी गांड नहीं सिलेगी। नाम मेरा राठी है। राठी साहब, मर्डर केस का क्या करना है? मर्डर का केस मैं रात को देखूंगा। आपसे बात नहीं कर रहा मैं। अबे तो किससे कर रहा? राठी साहब से बात कर रहा हूँ मैं। तो कर। पागल है क्या? राठी साहब ये है इस जिले का सबसे बड़े वकील। रामू। जी मालिक। एक एम निकालो, ऑटो पे चलानी है हमें। राठी साहब कैसे लगा हमारा प्रैंक? राठी साहब कैमरा बो रहा, और राठी साहब अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एम रखते हैं 3 मिलियन लाइक्स का। और राठी साहब कमेंट जरूर मारें। कमेंट तो नहीं मारूंगा, पर गोली जरूर मारूंगा। रामू। जी मालिक। ये कैसे कैसे लोग आ रहे हैं मेरी कोठी में? मालिक अपने आएंगे। और ये एक एम दिए? वो तो अपडेट के बाद चेंज हो गई ना। रुकिए जरा, ऑफिडी के स्नाइपर है, जाओ गेट पकड़ो। अबे अबे ये तो लराटी निकला, जिले का सबसे बड़ा वकील। अबे मैं भी तो क्या हूँ, मालिक ने 1,00,000 रुपए कैसे दे दिए? ये केस बहुत डेंजर है, इसे छोड़ो। नहीं, हिम्मत नहीं हारने का, हिम्मत नहीं हारने का। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। छोड़ो, मेरे पास एक और प्लान है। बताओ क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? हमें तुझ पे बहुत तरस आता है। क्यों? अरे क्यों? अरे इसलिए कि वो तेरा मालिक राठी तुझे नौकर की जिंदगी दिए पड़ा है। अबे तुझे कितने रुपए दे देता होगा वो? कितने रुपए? 30,000 रुपए पर मंथ। इतना तो सारे बचे हमारे पास। कुछ हमें अपने मालिक के अंदर की कमजोरी बताइए, और कैसा रहेगा उसके लिए हम आपको 300 रुपए दे तो? और कैसा रहेगा अगर मैं पुलिस बुला लूं तो? और कैसा रहेगा अगर हम दोनों यहां से निकल जाएं तो? रुको, 450 रुपए दो। मेरे मालिक राठी साहब को भूत और प्रेतों से डर लगता है। अबे ये क्या है? ए? कौन है तुम लोग? हमें बाबा हनीफ दिलसाद सैफी, और ये हैं बाबा स्नूप डॉग। डा 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 डा। मदरफकर अनियन जी। यहाँ पे बाबा के एंटी नहीं है, भागो यहाँ से। भस्म कर दूंगा तुझे, ऑलरेडी भस्म इंसान। ए भाग। 450 रुपए दे। अच्छा ये दो हैं। मालिक, कोई मिलना आया तुमसे? क्या हुआ रामू? मालिक के बाबा आए, बहुत पहुंचे हुए। हाँ वो तो दिख रहे हैं, कितने पहुंचे हुए हैं, घर तक पहुंच गए। क्यों आए बाबा यहाँ? बेटा तुम्हारी कोठी पे 500-600 आत्माओं का साया है, काला साया। आ बाबा, बाबा मुझ पर आत्माएं चल रही हैं।
जलन हो रही है सीने में मेरे। बाबा स्नूप डॉग कोई रैप पढ़ के भूको जल्दी से मेरे ऊपर। अपना टाइम आएगा, मैं नंगा ही तो आया था, मैं कोठी लेकर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। नाम स्नूप डॉग है और रैप गली बॉय का मार रहा है, क्या मसला बेटा? इस कोठी को आज ही अभी खाली कर दो जल्दी से। बाबा कहां जलन है तुम्हारे? बेटा आत्माओं की जलन है ये, सीने में है ना बाबा, एसिडिटी होगी। बाबा जानता है किसकी जलन है बेटा, ये आत्मा है। बाबा आत्मा है। निपट गया क्या डॉक्टर साहब ये? लगता तो नहीं। लो आ गया होश। क्या परेशानी थी डॉक्टर साहब? इनको कुछ ज्यादा खास नहीं था, नॉर्मल एसिडिटी थी। मैं पहले ही बता रहा था इनको एसिडिटी। जी जी बिल्कुल सही था। तो कितना बिल हुआ आपका? इनका पे करना होगा आपको 10,000 रुपीज। बस दे दो। क्या गिन रहे हो? पूरे ही होंगे। गिन तो लू। पूरे हैं पूरे हैं। चलिए जाइए आप भी, आपका दवाई ले लेना टाइम पे, 3 टाइम की दवाई बांधती है डॉक्टर साहब। साले तेरी वजह से 10,000 का चूना और लग गया, अब 20,000 बचे। अबे तो कर दूंगा 20,000 रुपए में फाइनल में। तेरे बस की ना, 10 तू पकड़ और 10 में देखते हैं कौन पहले सॉल्व कर दे। देखते हैं चल। राठे, इस जिले का सबसे बड़ा बदमाश गुंडा मुन्ना लैंडी आया है। रामू गुंडा दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा गुंडा था रामू। मालिक यहाँ तो कोई ना है। मैं हूँ यार। ओ तो तू है गुंडा। मैं ही हूँ वो गुंडा जिसने 450 मर्डर किए हैं और 500 अधमरे किए हैं, और एसएसपी साहब की लौंडिया भी मैंने ही भगाई थी। मैं चाहता हूँ तू ये घर खाली आज के आज ही अभी कर दे। बेटे एक बार और बताइए कितने मर्डर करें? अरे कितनी बार का भाई तू? इधर को मुँह करके और बता दे। इधर मुँह करके? हाँ। अरे मैंने 400 मर्डर। कर ली रिकॉर्ड? हाँ साहब कर ली। ठीक। और राइटी साहब? और प्रवीण जी क्या हाल है? बस बहुत बढ़िया। कैसा आना हुआ? ऐसे आया था केस के सिलसिले में, सोचा आपसे मिलता चलूं। अरे ये तो बहुत बढ़िया करा आपने जी। चलिए तो फिर मुलाकात होती है। बिल्कुल ठीक है प्रवीण जी, फिर मैं भी मिलता हूँ बाद में। तू कहाँ जा रही है? लेके चल चल। साढ़े 400 मर्डर किए हैं इसने। 450 मर्डर? बाबूजी इसके खानदान को तो गांड धोने की तमीज ना है, 450 मर्डर कहाँ से करेगा। बाबूजी छोड़ दो, 10,000 लगेंगे। ये लो बाबूजी। हवलदार छोड़ दे सर। शुक्रिया चकी, तूने वो 10,000 खर्च करके मेरी जान बचा ली। कोई नहीं मेरे दोस्त, तेरे वाले 10,000 तेरे पास तो है ना, उनसे कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या मतलब नहीं है? वो मैंने गुंडे के गेटअप पे खर्च कर दिए। इस गेटअप पे? अरे ना ये तो 200 रुपए के हैं, वो बंदूकें थी 9,800 रुपए की। चल कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मेरे पास एक प्लान और है। अरे इसकी माँ की चूत बंदूक ला रहा,
भोसड़ी का जिसे देखो मुंह उठा के चला रिया। दो दिन से देख लिया हूँ कोठी का कोठा बना रखा। क्या चाहिए? भेज दे रहे बाबा भेज। बेकार जी भी ना। बाबा इतने में क्या होगा बाबा? और क्या चाहिए? बाबा कोठी चाहिए कोठी। क्या चाहिए? कोठी है कोठी। दे दी। हाँ आज तो तुम्हारी हमारी हो गई। ठीक है खाली कर दिए। हमारा बहुत सामान आगा तो अपना कोई भी सामान मत छोड़ना। ठीक है आते हैं। रामो चलो पेपर दोनों के साइन करवा लेना और दोनों नॉमिनी के साइन करवा लेना। कोठी तुम्हारी हो जाएगी। मालिक मालिक कोठी अपनी हो गई। बस दो जनों के साइन होने, दो नॉमिनी बनने, एक आपके एक मेरे बाप के। नॉमिनी सब तो सुना हुआ लग रही है मुझे। पिछली बार जब कोठी चीनी थी तब भी ऐसी कुछ सुना था। अरे मालिक को सब दिन होता जल्दी से अंगूठा लगाओ। बे आचरी बन पर समझ रहा मुझे साइन करना है मुझसे। राडे भारा राडी टाइम क्यों लगा रिया है बेटे? ले सामान खाली कर दिया ना घर में से। ठीक है हो जाएगा। चलो हम अपना ट्रक लेकर आते हैं। ट्रक लेकर आते सामान भरो। पापा बड़ी जल्दी कब्जा करने जा रहे हो अपनी कोठी है। अब कब्जा ही तो हो गया अपने घर पे। लालच में आगे मैंने साइन कर दिए, मेरा घर भी छीन लिया। तो किससे पंगा लिया है? कौन सी धारा लगवाई है हम पर? क्या हो इसमें? थोड़ा मार दो ना, मार दे जेल में। पापा पापा तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? पापा अब मैं कहाँ रहूंगा? तू रही है मेरे लोड़े पे। और सुनो नॉमिनी की माँ का भोसड़ा। सो हे गाइस, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके जरूर जाना यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो में। और गाइस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें। और गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बटन नीचे है सब्सक्राइब का। और गाइज MPL डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।